बट उन्होंने फिर ऑफकोर्स निकाल दिया और मैंने भी छोड़ दिया। हाँ हाँ ठीक है, बहुत नौकरी मिल जाएंगी, मैं कोई फुद्दू नहीं हूँ, मैं था फुद्दू, बस अवेयर नहीं था मैं, कॉन्फिडेंस। तो वहाँ से मैं निकाल दिया, तो मैं कहा ठीक है अभी घर चलते हैं आराम से, अब थोड़े दिन चिल मारते हैं अपना आराम से। तो मैं घर पे बैठा हूँ, मेरे डैड कह रहे हैं कि तुम्हारा यार तुम तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारी नौकरी चली गई। मैं कहा फ़र्क क्या पड़ना उसमें, दोबारा मिल जाएगी, नहीं हुआ तो आपका घर बेच देंगे। मैं कुछ किए ना सेविंग्स मेरे लिए, तुमने ऐसे टेंशन में, तो कह रहे सुनो तुम ना शादी कर लो। मैं मुझे नहीं करनी, कह रहे कर लो कर लो। मैं समझ नहीं आता नहीं करनी, कह रहे कुछ लड़कियों की फोटोज भेज रहा हूँ एक बार देख लो बस, दलाल जैसी बातें नहीं। पापा नहीं अच्छा लगा जो किया बना। मैं सच में बोल दिया, बहुत बुरा मान गया। वैसे रोज फोन करते हैं, चार दिन फोन ही नहीं किया इसके बाद। ऊपर जाके मॉम को बता दिया दलाल बोल रहा है। मेरी मॉम मुझे फोन करें, क्या बोल देने पापा को, वो काम छोड़ चुके हैं अब, कोई चक्कर नहीं। बोला था लाइक पढ़ाई, सी आई स्टिल कांट रीड, आई मीन आई कैन रीड बट आई डोंट लाइक टू रीड, अ लॉट ऑफ पीपल रीड बुक्स एंड एवरीथिंग। लाइक मेरे बहुत सारे कमेडियंस बोल रहे हैं वो गवार कर ले जरा, ठीक है पढ़ाई कर ले, बहुत जरूरी है रीडिंग, रीडिंग बहुत जरूरी, लाइक बुक्स। मैंने बहुत सारे वीडियोस देख ली व्हाई रीडिंग इज इंपॉर्टेंट, हमने कहा सच में, पर मुझे उससे कोई जो एम्पैथी में चाहिए नहीं, जो भी है और बहुत कुछ था। बट मैं तो बोल रहा था डूड इट विल हेल्प यू बिकॉज दैट्स हाउ यू लर्न न्यू वर्ड्स, नए वर्ड्स बुक्स पढ़ के पता चलते हैं। मैं कहा 20-25 साल हो गए मुझे लोगों से बातें करते हुए, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि यार एक आधा वर्ड और पता होता ना तो ये हमारी बात इतनी अच्छी होती आज, ये कॉन्वर्सेशन निखर के बाहर आती है अगर 3 वर्ड एक्स्ट्रा पता होते। क्योंकि सिर्फ वर्ड सीखना काफ़ी नहीं है, उस वर्ड के लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है सोसाइटी में वो पता होना चाहिए आपको, कि कौन सा सिनेम आजकल एक्टिव है। सच में मेरे दोस्त एक बार उल्टी कर रहा था दारू पी के, मैं कहा आर यू वॉमिटिंग, कर आई एम प्यूकिंग। मैं कब हो गया ये, कब हुआ, कब ये कौन सी मीटिंग है जहाँ मुझे नहीं बुलाते और तू बच्चे उल्टी कर रहा मुझे इंग्लिश सिखा रहा है। चल तो रहा था वॉमिट अच्छा खासा, क्या हो गया, बोर हो गया इस वर्ड से, ये कौन है, ये ह्यूमंस के नखरे हैं इतने कि नया लाओ वॉमिट यार, 4 साल हो गए वॉमिट ही बोले जा रहे हैं, क्या और क्या वर्ड लाओ, क्या दोबारा वॉमिट सुन लेना वॉमिट ही आ जाएगी हमारे नखरे हैं नया वर्ड। कुत्ते को देखा बाबा बाबा वही चल रहा था तब से, पूरी स्पीशीज चल रही है ग्लोबली भाव पे बस। पता वो भी काफी नहीं है, प्रोनंसिएशन पता कर लो, प्रोनंसिएशन पता नहीं चाहिए, सॉरी मेन वही है, वरना जजमेंट बहुत ज्यादा ही आएगी, कोई फायदा नहीं आपका, सारी आपने बात क्या की है डजंट मैटर अगर आपने गलत प्रोनाउंस कर दिया उसको। मैं अपने दोस्त के पार्किंग में जा रहा था, मैं कहा पार्किंग वाले ने रिसिप्ट दी, क्या क्या बोला तूने, मैं कह रिसिप्ट रिसिप्ट, क्या रिसीट होता गवार, मैंने गलती बोला था, वो तुझे कैसे पता लगा मैं क्या बोल रहा था, जब रिसीट बोला तो समय में आ गया ना रिसीट बोल रहा हूँ, कम्युनिकेशन हो गई ना। हाँ तुझे क्या लगा राकेश बोल रहा हूँ मैं फिर। और जब पता लग गया क्या, अब पता ये बंदा फिर भी ठीक था क्योंकि इसने मुझे मुंह पे ही करेक्ट कर दिया, ओ गवार ये फिर भी ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि मिस प्रोनंसिएशन इतनी बुरी बात कर दी आपने दैट इट्स रूड टू करेक्ट समबडी देन एंड देयर, कि हम इसको बता कैसे सकते हैं कि क्या घोर पाप किया है इसने यार। नहीं तो ये क्या करते हैं, वर्ड की जो करेक्ट प्रोनंसिएशन है उसको सेंटेंस में यूज करके दिखाते हैं आपके सामने, टू इनडायरेक्टली टेल यू कि देख ये ऐसे था। जैसे वो पार्किंग में तुझे रिसिप्ट दी, क्या हाँ उसने मुझे रिसीट दे दी। अच्छा मुझे तो रिसिप्ट नहीं मिली, कहाँ है रिसिप्ट, रिसिप्टे कहाँ है रिसिप्टे, रिसिप्टे।
और पता है मैंने बाद में सोचा था प्रोनाउंसिएशन का तो कोई लॉजिक भी नहीं है, मतलब बस इनफ लोग चाहिए वर्ड को प्रोनाउंस करने के लिए तो वर्ड पहुंच जाएगा। ऐसे ही तो लैंग्वेज शुरू हुई थी। शुरू में ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने बोला देखो भाई हमने इंग्लिश बना ली, हमें सारी आती हम बताते हैं कैसे बोलना, ठीक है सारे बैठ जाओ। हाँ हैरिस होता है हैरिस, अमेरिकन्स कहते हैं हम हरास बोलेंगे, कहने नहीं हैरिस होता है, हैरिस होता है ना, जल्दी चेक करो। हाँ हैरिस होता है, हैरिस बोलो, हम हरास बोलेंगे, क्या कर लोगे, कहने नहीं हमने इंग्लिश बनाई है, बहुत दिन से लगे हुए थे प्लीज यार। तो अमेरिकन्स कहते हैं हमारी पूरी कंट्री 50 मिलियन लोग सब मिलके हर ऐसी बोलेंगे, जो खाना वो खा लो, हम जा रहे हैं अमेरिकन इंग्लिश होती है, क्या एटीट्यूड है उनका, जो बोलने का मन था उन्होंने वही बोला, उन्होंने कहा ये अमेरिकन इंग्लिश है बहुत सही, इंडिया वाले क्यों पीछे रह रहे हैं। अगर पॉपुलेशन ही गेम है तो सबसे ज़्यादा लोग वैसे इंग्लिश बोलते जैसे हम बोल रहे हैं, तो आइडली और जुड़ जाएगी एक और इंग्लिश बीच में, आप जो मर्जी बोलते रहो बोल दो इंडियन इंग्लिश है, क्या फर्क पड़ता है, जो पोटैटो पोटैटो पुटो टू, इट डजंट मैटर, कोई रूल मानने की जरूरत नहीं आपको, CAT डॉग माचो आ गया।